मार दिया था। छह किसको? सारे भाई बंधु ऐसे कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमें कुछ ऐसे शॉप के बारे में जानकारी दे जहां से हम सैलून का आइटम जो है होलसेल में खरीद सके। तो अगर आपका कोई जनरल शॉप है तो आप जो है इस तरह के आइटम को रख के सेल कर सकते हैं, या फिर आप जानते होंगे कोई सैलून वाले भाई बंधु जो आपके आसपास रहते हैं तो ये वीडियो जो है उन तक पहुंचा सकते हैं, उन्हें दिखा सकते हैं। और हाँ, आसपास अगर आप रहते हैं दिल्ली के तो आप जो है यहाँ से एक दो पीस जो पूरा सेट भी ले सकते हैं। ओनर राजेश चावला जी, स्वागत है सर आपका चैनल पे। थैंक यू सो मच। सैलून से रिलेटेड सारी आइटम्स है हमारे पास। हमारी शॉप 50 ईयर्स पुरानी शॉप है, 15 साल पुरानी है। ऑल ओवर इंडिया वी कैन, हम माल बेचते हैं और कस्टमर इंडिया से हम हमारे पास आते हैं, एट होलसेल प्राइस हम देते हैं सब लोगों को। ओके। और ईच एंड एवरी आइटम सैलून से रिलेटेड सब मिल जाती है सर। तो मिनिमम सर आप कितने का दे सकते हैं, सेल कर सकते हैं? कस्टमर की डिमांड जितनी भी जैसे बनती है, कुछ भी हो 10,000 जैसे वो कोई शॉप पर आके अगर वो एक चाह रहा है कि जिलेट का वो फॉर्म ले ले तो आप दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी डिमांड करे हम दे सकते हैं। इसका टाइमिंग क्या है शॉप ओपन का? सुबह 11 to 8। और मार्केट ऑफ किस दिन रहता है? संडे। संडे ऑफ रहता है। पहले सर ना हम यहाँ पे बेसिक चीज से शुरू करेंगे, जैसे कि एक शॉप पे सबसे इम्पोर्टेंट आइटम होता है सैलून के शॉप पे ब्लेड। ब्लेड के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे कि कितने तरह के ब्लेड आपके पास मिल जाते हैं, सस्ते महंगे? 20 कितने अराउंड 29 ब्रांड है दोस्तों। सोच सकते हैं कि कितना बड़ा बात है एक शॉप पे इतने ब्रांड के ब्लेड, जो कि बड़े से बड़े ब्रांड भी आ जाता है, छोटे से छोटा भी आ जाता है। तो इसमें हम स्टार्टिंग प्राइस की बात करें सर, तो ये जो है पूरा 100 पीस का डब्बा है ना? 50 पीस का डब्बा आता है। ओके, सभी 50 पीस। ये सबसे एक्सपेंसिव है, फिर ब्लेड, फिर ये भी है, ये पत्ते में भी। हाँ जी बिल्कुल। तो हम अगर सबसे सस्ते की बात करें सर, तो कितने से शुरू है? 35 रुपीज का है सबसे सस्ता, 50 ब्लेड है। 35 का जो है 50 पीस, यानी 70 पैसे पड़ रहे। ओके। और कम से कम जो ये पूरा एक डब्बा लेना होगा, ठीक है? इसी तरीके से मेरे ख्याल से 40, 45, 50 इसी हिसाब से है, इसी रेंज में, इसी रेंज में। और एक ये जिलेट का जो पत्ता है सर, ये कितने का आता है? ये वो भी अराउंड ये 85 to 90 रुपए कॉस्टिंग पड़ता है। इसमें 200 ब्लेड है। 200 ब्लेड का कितना पड़ता है सर? 170 रुपीज का पत्ता है। 170, तो लगभग जो है 85 का पड़ जाता है 100 पीस, 85 पैसे पड़ गए। सॉरी, सबसे महंगा ये है। तो ये कितने का है? ये 90 रुपीस के बॉक्स है, 50 रुपीस का, 50 प्लस 5 5 ब्लेड कंपनी ने फ्री दिए हैं, ठीक है जी। तो आप हिसाब लगा लीजिएगा इसका इसका। और इसके बाद जो आइटम आता है जिसमें ब्लेड लगाते हैं सर, ब्लेड लगाते हैं वो उस्तरा होता है, मेन उस्तरा होता है, वो भी रेंज है सारी। ये भी देखिए कितने से स्टार्ट है सर, बोलते हैं हां उस्तरा जो हम लगाते हैं 25 से 30 रुपीस, 40 रुपीस, सारी रेंज है सर। कम से कम कितने से? 25 में कौन सा है? ये देखिए, और अगर हम पीतल का लेते हैं जैसे कि महंगा, ये भी इसी रेंज में आते हैं सारे, 30, 35, 40 रेंज में। मतलब कम से कम 25 से बाकी 5-5 रुपए 10 रुपए बढ़ेगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें हम आपसे पूछे कि सर थोड़ा सा बेस्ट में कौन सा है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? बेस्ट में देखिए स्टील, पूरा स्टील वाला उस तरह है। ओके, ये कितने का सर? ये ब्लैक में, ये 45 रुपीज का है, 45 का है, ठीक है। ये ब्लैक में 35 में जो बहुत कॉमनली चलता है, 35 में कॉमन चलता है, यानी ज्यादातर यूज होता है। और ये कितने का सर? ये स्लाइडिंग में होता है, ये थोड़ा सा फैंसी लग रहा है, अट्रैक्टिव। ये ऐसे स्लाइडिंग होता है, ऐसे स्लाइडिंग, बड़े वही मॉडल है सब सारे। इसका क्या रेंज होगा सर? ये 40 रुपीस का होता है, 40 रुपीस का, तो लगभग इसी रेंज में मिलने वाला। ओके, और ये कितने से स्टार्ट है सर? ये 60 रुपीस सर, 60 छोटी भी है, इसमें इसमें थिनिंग भी है, थिनिंग। ओके, ये 60 रुपए का जो जैगुआर भी है देखिए, हां ठीक है, 60 70 80 ये है जैगुआर नाम से। ये कितने का सर? ये 100 रुपीस का, 100
डे टू डे का है, ठीक है। और बाल काटने के लिए जो बड़े वाले वो होते हैं कैंची सर, वो बड़ा दिन लाना वो स्टार्टिंग हो जाता है सर 60 रुपीज मिनिमम है, क्योंकि वो स्टार्टिंग है, पूरा स्टेनलेस स्टील है। ओके, स्टील से पूरा, ये देखिए इस तरीके का है, 60 रुपए, ठीक है। और ये वाला, ये भी इसी रेट का है, मतलब रेंज सारी वही है, एक दो बॉक्सेस और ना, एक दो रुपए जो आगे पीछे होते रहेंगे, थोड़ा सा क्वालिटी इंक्रीज होगा, क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये भी 60 रुपीज का है, बिल्कुल ठीक है, कई क्वालिटी में ये देखिए, ये भी है, ये भी है, ये 65 है, वो 75 है, ठीक है, वो 75 है, 75 इसमें क्या खास है सर? वो थोड़ा मतलब नेम डिपेंड करता है इसका, मनकोन जो नेम है सीजर्स में सबसे बेस्ट माना जाता है। ओके, सबसे बेस्ट माना जाता है, कौन सा है ये? मनको नाम से, मनको MUNCO, सेट है, 120 रुपए का पूरा सेट है। अब इसमें अराउंड देखिए 10 से 12 कंघा है। ओके, देख सकते हैं 120 रुपए का है, जो कि पूरा सेट है, तो अलग से लेने की जरूरत नहीं है, पूरा सेट सारा अलग से भी लेना सारा चाहते हैं, अलग से लेने जाते हैं, अलग से भी मिल जाता है। कितने रुपए से स्टार्ट? 20 रुपीस का है वो, टोनिंग एंड गाय नाम से आता है। ओके, ब्रांडेड है थोड़ा अच्छा। जैसे कि हम आ जाते हैं यहाँ पे सिंगल कंघे, ये कितने रुपए से? 20 रुपीस का है सर, 20 रुपए का। अब उसमें भी सारा रेंज है, मेन कटिंग वाला भी है, टेल कॉम्ब भी है, छोटा बड़ा सारे साइज मिल जाते हैं। सैलून वाले में क्या है ना, उससे जो कंघी चाहिए वो हार्ड चाहिए, मतलब मजबूती चाहिए उसमें, तो यहाँ पे जो नाम ही काफी है, ठीक है। हालांकि 20 रुपीज से जो है शुरू है, ये जो हम देख पा रहे हैं ये 20 रुपीज का है। तो सस्ते सैलून में चलते हैं। ये कितने रुपए से? 3 रुपीज है, 3 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए पीस, 3 रुपए जो है, 5 रुपी पीस। ओके, ये 5 रुपए है, ठीक है। इसी तरीके से कई क्वालिटी जो है यहाँ पे मिलने वाले हैं। फिलहाल हम एक और क्वालिटी जो है यहाँ पे देख लेते हैं, 2 रुपए पीस, ये 2 रुपए पीस, 12 पीस का बॉक्स है, 12 पीस का बॉक्स है, ये 2 रुपए है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है शेविंग क्रीम्स हो गई है, जो बेसिक एक सैलून में रिक्वायरमेंट होती है, ये शेविंग क्रीम्स की होती है, लेकिन आजकल के सैलून में तो फोम से गुजारा होता है, फोम चलने लगे, ठीक है। तो हम पहले बेसिक की बात करें, तो इसमें कितने स्टार्टिंग प्राइस क्या है सर? इसमें स्टार्टिंग प्राइस देखिए, अब ये इसका 75 MRP है, कितना? हम आपको 48 का चार्ज करते हैं, होलसेल पर 48 लगभग 17 रुपए ड्रॉप, ठीक है। और जैसे हम इसका ले लेते हैं सर, अब देखिए इसका जैसे 75 MRP है, 75 MRP हम 54 का देंगे। ओके, 54 का देंगे, 12 पीस का, लगभग कितना परसेंट डिस्काउंट मिलता है? 15-20% आराम से हो जाता है, तो जो भी प्राइस है आपको 15-20% जो डिस्काउंट मिलेगा। अभी 65 MRP है, पार्क एवेन्यू का है, ब्रांडेड है, 45 रुपीज रेट है, 15-20% जो है इजी आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं फोम वाले में, आ जाइए, जैसे बहुत सारे जो है लोग फोम यूज करते हैं, ठीक है, सबसे मतलब जो हर इंसान जानता है इसको, जिलेट का है, ठीक है, 200 MRP है, 160 का हम लगाएंगे, 200 MRP है, ठीक है। और ये मिलेगा जो 160 का, सर अगर कोई 20 पीस 50 पीस 100 पीस तो लेके जा रहा है, प्राइस जितना प्राइस ऊपर मतलब क्वांटिटी बढ़ेगा, रेट और ड्रॉप कर देंगे। अगर आपके कोई शॉप पे आके और यहाँ खरीदता है तो ये उन्हें एक पीस भी अगर लेता है तो 160 का दे देंगे, ठीक है। तो आप जो है ध्यान रखिएगा, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो प्राइस के लिए बात कर लीजिएगा, आपका जो है डिस्काउंट और भी बढ़ जाएगा। मैं फिलहाल जो है सिंगल पीस के रेट के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं, वैसे बहुत सारे इनके पास ब्रांड है, एक हम यहाँ पे देख लेते हैं जो की सस्ता में है, ये 65 रुपीस पीस है, 65 रुपए पीस है, देखिए MRP 130 होगा इसका, 130 है जो कि 65 का, इसमें तो 50% डिस्काउंट मिल रहा है आपको, ठीक है। इसी तरीके से देखिए ये लेजर का, ये भी नामी है, ये भी ब्रांड है, बहुत सारे ब्रांड जो है यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। निविया का ये फोम देखिए, निविया का बिल्कुल, ये सब फेमस है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है शेविंग रेजर मिल रहे हैं, जो कि अलग अलग ब्रांड के हैं। अगर हम बात करें सर, तो इसमें जो है स्टार्टिंग प्राइस क्या होगा? ये देखिए जैसे 150 रुपीज मिनिमम, 150 का है, वो ब्रांड है, चाइनीज ब्रांड है, बट बहुत हायर सेलिंग में है, ठीक है। और ये कितने पीस होते हैं इसमें? 1 पीस होता है, कितने का सर? ये 150। और MRP कितना है सर इसका? इसका इम्पोर्टेड आता है, इम्पोर्ट होता है। ओके, और ये इसका कुछ गारंटी होता है? गारंटी वही चाइनीज का प्रोडक्ट है, लेकिन इसलिए रेट भी बहुत कम है इसका। ओके, ये ज्यादातर 150 रुपए में देखिए आप आराम से, हाँ कटिंग भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, और क्या इंसान चार्जिंग है सर? हाँ, चार्जिंग में भी आप चार्ज कर सकते हो, एक घंटे के चार्जिंग से आराम से 3 आवर्स, आराम से 4 आवर्स चले जाता है। ओके, सेल है इस तरीके से,
टीजर्स भी हैं, मतलब हर ब्रांड्स का है। अब ये 350 में डबल सेल है जिसका स्टैंड बाय और मतलब है चार्जिंग कम है और 6 घंटे चल जाता है, 6 घंटे चल जाता है एक 1 आवर के चार्ज में जस्ट। ओके, और ये कितना प्राइस है सर? ये 350 ओनली। और मार्केट में सेल करना चाहे तो? मार्केट में सेल करना चाहे तो अब कस्टमर आराम से 600-700 आराम से मिल जाता है। और हम इससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं सर, ऊपर थोड़ा सा बेहतर में। ये देखिए अब वायर्स में आते हैं, फिर वायर्स में आते हैं। ओके, ये बिना सेल वाला होगा, कितना मीटर वायर होगा? आराम से जितना सूटेबल एक चेयर में, जैसे एक सैलून में चेयर के जैसे वो वायर लगाए वो, तो आराम से कस्टमर को कर सकता है वो, इतना सूटेबल वायर है इसका। ओके, और ये कितने का सर? ये 350 का जस्ट, ओनली 350 जस्ट। ठीक है, तो इसमें बैकअप का झंझट नहीं है? बैकअप नहीं है बस, हाँ हैवी है बट वही वो कटिंग का। जो ब्लेड खराब हो जाता है तो ये मिल जाता है इसका ब्लेड? सब मिल जाता है, सब मिल जाता है, सभी के मिल जाएंगे जितने हम देख पा रहे हैं, सबको मिल जाएंगे। ठीक है, और इससे हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो ये बेस्ट सेलिंग में है, ये 400 का है। दिखाएं वो बेस्ट सेलिंग में कौन सा है, ये बेस्ट सेलिंग में बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। इसे क्या बाल भी कट जाते हैं बच्चों के? आराम से हो जाता है। ओके, इवन यू कैन कट योर डॉग्स हेयर और शीप हेयर, कुत्ते के भी बाल काट लेते हैं, उसके भी बाल इससे काट सकते हैं। ठीक है, ये इतना पावरफुल है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये देखिए, हालांकि अगर आपका जस्ट 400 का, ठीक है, हैवी ड्यूटी के साथ है यहाँ पे। ठीक है, और इसी से हम आगे बढ़ते हैं तो ये देख रहे हैं HTC का एक है, ये घर में जो है पर्सनल यूज के लिए हम जैसे लड़के जो है इसे रख सकते हैं। ये कितने का पड़ेगा सर? 250 ओनली जस्ट, 250 का है। ठीक है, इसका ब्लेड सर कितने दिन में खराब होता है अगर डेली? अगर कुछ भी नहीं, साल दो साल कुछ भी नहीं होगा, साल दो साल कुछ भी नहीं होगा जस्ट। Okay. साफ करते रहे यहाँ, कुछ okay. नहीं होगा। और यहाँ पे हम आ जाते हैं तो ये थोड़ा ब्रांडेड में सिस्का है, वॉल है ब्रांडेड है, ये सब ये यूएसए ब्रांड है, यूएसए ब्रांड है। ये कितने का सर? पर्सनल यूज वाले तो इसे ले ही सकते हैं, 1500 हो गया ये। 1500 का ऐसा क्या खास है सर इसमें? मेड इन USA, 2 साल वारंटी है, कंपनी सर्विस देगी आपके होम। खास है ये वॉल का है, जैसे देखिए 1695 है, ये 1400 का है, 1400 मेड इन USA, मतलब 4-5 साल कुछ नहीं होने वाला चीज को। और कंपनी यहाँ पे इन्होंने कस्टमर केयर सर्विस इसका है, यहीं पे बना हुआ है, कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, अगर कुछ भी खराबी होती है वो अपना बंदा भेजते हैं आपके घर से उठा के ठीक करके 10-15 दिन हाफ। ठीक है, ये फिलहाल अपने रेट बताएं इसका? 1400 जस्ट, 1400 लेस होता है, 1400 रुपए का ये। हालांकि इसका जो है 1695 रुपए, 1700 कीमत है। जैसा की मैंने बताया की इसमें अगर क्वान्टिटी बढ़ाते हैं तो प्राइस बिल्कुल 3000 वॉट की बाल सुखाने का ड्रायर है, 400 का है जस्ट, कंपनी का है। ओके सर, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं सिस्का का, ये कितना है? ये भी ड्रायर है, ये भी 800 होगा, ये 800 का है। ठीक है, सिस्का का 800, ये एक ब्रांडेड है। चार्जिंग सारे ये चार्जिंग भी है इसमें, बॉल के भी है, हेयर कट एंड बियर्ड, और थोड़ा ब्रांडेड में और महंगा चाहिए तो वो भी है, मतलब हमारे पास वैरायटी सारी है, कोई कमी नहीं है, कोई मतलब आप प्राइस, आप अपनी प्राइस बोले हम उस प्राइस का चीज निकाल देंगे। तो लुएस ब्रांड में जैसे चलता है, सबसे जो बहुत ज्यादा सेल में चल रहा है आजकल, ये कलर करने के लिए 40 रुपीज पीस है, देखिए 40 रुपीज पीस का है MRP, देखिए आप 80 रुपीज, लेकिन 50% मार्जिन तो हर मतलब हर ब्रांड पे बेसिकली आ जाएगा, हर ब्रांड पे जो है किसी पे 135 रेट हम देंगे आपको, 135 मिलेगा। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे ये जो है ये सिंगल पीस का हम रेट जान रहे हैं, अगर आप क्वांटिटी बढ़ा के लेते हैं तो बात कर सकते हैं, प्राइस और ड्रॉप हो जाएगा। जो सैलून में आपको चाहिए वो सब मिलेगा, Each and every A to Z item, okay. वो हम provide कर सकते हैं आप। सर, कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
हालांकि जाहिर से बात है कि सैलून से रिलेटेड यहां पे आपको जो है लगभग सभी आइटम मिलने वाले हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए बात कर सकते हैं, सर का एड्रेस नंबर जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। ये शॉप जो है दिल्ली के सदर बाजार में स्थित है, जिसका नियर मेट्रो स्टेशन लाल किला एंड रामकृष्ण आश्रम मार्ग एंड 30 हजारी पड़ने वाला है। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, जाते जाते इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मेरा सारा मेहनत का फल सिर्फ आपका एक क्लिक है। तब तक के लिए जय हिंद।